गुड मॉर्निंग एवरीवन, श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स स्कूल इन जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा जो डिस्कस का टॉपिक है वो है राजकोषीय नीति। तो आज हम जानेंगे कि राजकोषीय नीति क्या होती है और आज इसके जो राजकोषीय नीति के जो उद्देश्य है उनके बारे में थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राजकोषीय नीति क्या है। तो नॉर्मली एक डेफिनेशन के रूप में, एक सिंपल एक लाइन में बोला जाए तो राज्य के कोषों से संबंधित जो नीतियां अपनाई जाती है उसको हम राजकोषीय नीति कहते हैं। या हम दूसरे रूप में इसको कहना चाहे तो राजकोषीय नीति एक ऐसी नीति है जिसमें सरकार अपने आय व्यय और खर्च, यानी आय व्यय और ऋण से संबंधित समस्त प्रकार की जो जानकारी जो उजागर करती है या इसमें इसकी डिटेल आती है, इसका ब्यौरा होता है। तो सरकार के जो खर्चे हैं, इनकम है, इनकी जो डिटेल्स है, ठीक है, वो हम राजकोषीय नीति के माध्यम से देख सकते हैं, जान सकते हैं। तो ये एक तरीके से कहा जाए तो एक विवरण है जिसमें ये सारी चीजें जो सम्मिलित हो जाती है, जिसमें सरकार अपने आय और व्यय से संबंधित है जो चीजों को प्रस्तुत करता है। या एक ऐसी नीति कह सकते हैं जो गवर्नमेंट अपने जो इनकम के जो सोर्स है कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाती है उनकी डिटेल भी इसी के अंतर्गत आ जाती है। तो ऑल ओवर हम यही समझ सकते हैं कि हमारे जो राज्य के जो या देश की जो इनकम है और उसके जो खर्चे हैं, किस किस माध्यम से इनकम हो रही है, किस किस माध्यम से जो खर्चे लग रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से नए जो इनकम जनरेट होती है और नए खर्चे किस तरीके से बढ़ते हैं, इन सभी के संबंध में जो नीति अपनाई जाती है तो उस नीति को हम कहते हैं राजकोषीय नीति। तो इसके जो कुछ मुख्य उद्देश्य है तो वो हम जान लेते हैं। तो आप सबसे पहले देखेंगे कि इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सबसे पहला है वो है विकास के साधनों को गतिशीलता देना। तो प्रत्येक देश ये चाहता है कि देश तरक्की करे, किसी न किसी तरीके से विकास के मार्ग पर बढ़े। तो विकास कार्यों में हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा विकास कार्यों में देखते हैं कि जैसे कि सड़क है, पुल है, रेल है, बांध है, मेडिकल डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, इनसे संबंधित जो चीजें, इनका निर्माण करना, इनका यदि बड़ी मात्रा में निर्माण किया जाता है तो ये कहीं ना कहीं विकास कार्यों में खर्च होता है और ये विकास कार्य है जो देश को तरक्की की राह पे लेके आते हैं। यदि बात करें परिवहन के संसाधनों का विकास करना है तो परिवहन के संसाधनों का जितनी बड़ी मात्रा में यदि विकास किया जाता है उतनी बड़ी मात्रा में है जो माल है, जिस क्षेत्र से सपोज करिए बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हमारे जहाँ बड़ी मात्रा में प्रोडक्शन होता है लेकिन वो जो प्रोडक्शन है मार्केट में नहीं आ पाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि अपनी जगह पढ़ाई खराब हो जाता है, ठीक है, लेकिन परिवहन के संसाधनों का यदि विकास कर दिया जाए तो वहां से वो माल है मार्केट में आएगा या सरकार खरीदेगी उसको, तो वो इस तरीके से खराब होने से बच जाता है और थोड़ा सा काम इजी हो जाता है, जल्दी हो जाता है। अदरवाइज माल है तो पड़ा रहता है, लोगों के पास स्टॉक भी बड़ी मात्रा में पड़ा रहता है, तो ये लोगों के पास आएगा तभी उनका भला होगा। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार सबसे ज्यादा विकास कामों में खर्च करती है और ये विकास देश के विकास से संबंधित होते हैं सारे के सारे हैं। इसका हम एग्जाम्पल वो भी ले सकते हैं कि जैसे कि देश में शिक्षा पर व्यय करना और सेना पर, सुरक्षा पर व्यय करना आदि ये जो खर्चे हैं वो सारे सारे इन्हीं के विकास कार्यों के अंतर्गत हम उनको देख सकते हैं। इसके अलावा देश में उद्योग धंधों को बढ़ावा देने के लिए नई स्कीमें लेके आना, तो ये सारे सारे विकास कार्य है, ठीक है। या एक लाइन में कहे तो आधारित संरचना को सुदृढ़ करना। तो आधारित संरचना की बात करें तो इसमें बिजली, पानी, शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, बीमा, वाणिज्य, व्यापार, उद्योग, सभी ये सारी चीजें आ जाती है आधारित संरचना में। इनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाए ये सारा का सारा है इसका उद्देश्य, इसके अंतर्गत शामिल हो जाता है। पूंजी निर्माण को बढ़ावा देना। तो पूंजी निर्माण है जो कि बचतों से होता है, बचत के माध्यम से ही पूंजी निर्माण होता है। तो लोगों को जागरूक करना, लोगों की इतनी इनकम करना कि उनके पास बचत हो सके, क्योंकि वर्तमान में हम देखते हैं कि भारत में बड़ी मात्रा में है जो गरीबी है, तो लोगों के पास बचत ही नहीं है, तो बचत नहीं है तो पूंजी निर्माण कहाँ से होगा। तो इसके लिए लोगों को आय के संसाधन जुटाना, इसके अलावा जो और लोग है, ठीक है, जिसके पास आय हो रही है तो उनकी जो बस्तें हैं उनको संरक्षित करना, उनको समय समय पे ऐसे यानी प्रचार प्रसार के माध्यम से लोगों को जागरूक करना कि लोग बचत की ओर अग्रसर हो, जिससे कि क्या है कि पूंजी का निर्माण हो सके। क्योंकि सारी बस्तें हैं जो बैंक के, फाइनेंस कंपनियां हैं और बीमा कंपनी इनके पास जाती है और यहाँ से ये जो पैसा है जो उद्योग धंधों में लगता है, जिससे कि देश है जो तरक्की करता है और तरक्की करता है तो पूंजी का निर्माण निश्चित रूप से होता है। तो ये इसका मतलब होता है।
निवेश को प्रोत्साहन, तो ये एक और काम है राजकोषीय नीति जो बनाई जाती है कि निवेशों को प्रोत्साहन देना बड़ी मात्रा में है जो निवेश किए जाने चाहिए देश में। जितनी बड़ी मात्रा में निवेश होगा, निवेश का मतलब होता है उद्योग धंधों में पैसा लगाना, उद्योग धंधे खड़े करना। तो इसके लिए हम अपने देश वालों की बात नहीं करते हैं, विदेशी को निवेश को भी हम शामिल कर लेते हैं। यदि देश में बड़ी मात्रा में निवेश होगा तो उसका फायदा है संपूर्ण देश को होना है। क्यों? क्योंकि सरकार को तो टैक्स के रूप में फायदा मिलेगा, जहां निवेश किया जा रहा है कुछ ना किसी चीज का प्रोडक्शन होगा तो वो लोगों के सामने आएगा, लोगों को नई चीजें देखने को मिलेगी तो उसका फायदा होगा। और इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात आती है वो होता है रोजगार, तो रोजगार मिलेगा लोगों को बड़ी मात्रा में, तो ये फायदा इसका होता है। नेक्स्ट यदि बात करें तो मुद्रा स्फीति एवं संकुचन पर नियंत्रण करना, तो हम जानते हैं कि मुद्रा स्फीति और मुद्रा प्रसार, यानी मुद्रा संकुचन को प्रसार कहते हैं, सॉरी मुद्रा स्फीति मुद्रा प्रसार होती है, मुद्रा संकुचन यह स्फीति हो जाती है। तो मुद्रा स्फीति और मुद्रा संकुचन दोनों ही कंडीशंस है जो किसी भी देश के लिए नुकसानदायक हो सकती है, तो इसलिए दोनों ही समस्याएं हैं जो इनको किस तरीके से नियंत्रित किया जाए ये भी राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य होता है। क्योंकि मुद्रा प्रसार में तो चीजें महंगी हो जाती है, यानी महंगाई बढ़ जाती है, ठीक है, मार्केट में जो चीजें आती है लेकिन बहुत ही ऊंची कीमतों पे मिलती है, ठीक है, ये होती है मुद्रा स्फीति की स्थिति। मुद्रा संकुचन में क्या है, चीजें मिलनी ही बंद हो जाती है, ठीक है, और मुद्रा की वैल्यू घट जाती है। तो कहने का मतलब आपके पास बड़ी मात्रा में पैसे है लेकिन आपको चीज ही नहीं मिल रही है, तो वो मुद्रा संकुचन की स्थिति है। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों स्थितियां आती है तो दोनों ही अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, तो इसलिए इन दोनों स्थितियों पर नियंत्रण किया जाना जरूरी होता है, जो किसी भी राजकोषीय नीति का मुख्य उद्देश्य माना जा सकता है। बात करें नेक्स्ट राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना भी एक बड़ा कार्य होता है। तो राष्ट्रीय आय में वृद्धि है जो सभी देश चाहते हैं कि देश की आय बढ़े, देश की आय बढ़ाने के लिए सरकार है जो सबसे बड़ा जो स्रोत देखती है वो है टैक्स का होता है, टैक्स के माध्यम से सरकार की सबसे ज्यादा आय होती है। इसके अलावा दंड दंड जुर्माने वगैरह से भी आय होती है। इसके अलावा सरकार बहुत सारी सुविधाएं देती है, इसको सर्विस के नाम से हम जानते हैं, तो वो भी सरकार की आय के अंतर्गत ही आती है, लेकिन सरकार बड़ी मात्रा में खर्चा करती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ा एक रोल और भी होता है सरकार की आय का, वो होता है सरकारी उद्योग धंधे। सरकारी बहुत सारे ऐसे सरकारी उद्योग धंधे होते हैं जिनसे सरकार है जो बड़ी मात्रा में आय करती है। जैसे कि बात करें कि जैसे कि ये रिफाइनरी, देश में रिफाइनरी लगाई जा रही है, पेट्रोल डीजल है, इसके जो कार जो तेल के कुएं हैं, ठीक है, इनको तेल की कुएं रिफाइनरी बोलते हैं इनको, तो ये जैसे लगाई जाए तो इनकी जो इनकम आ रही है वो है पेट्रोल डीजल, सारा का सारा जमीन से जो कोयला निकाला जाता है ये सारा सारा सरकार के अंडर में आता है। तांबा, टिन, जस्ता, सीसा, ये उद्योग जमीन से खान से निकाले जाते हैं, ये भी सारे सरकार के अंडर आते हैं। तो इस प्रकार से जो कई उद्योग है, जो सुरक्षा से संबंधित जो उपकरण बनाए जाते हैं, तो ये काफी ऐसी चीजें हैं जो सरकारी उद्योग के अंतर्गत आती है। रेल परिवहन भी एक ऐसा ही उद्योग है जिसमें सरकार की बड़ी आय होती है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये कि इनके माध्यम से भी सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में आय होती है और सरकार इनसे संबंधित भी जो नीतियां बनाती है, जो नीति के कारण ये मुख्य उद्देश्य ये भी आ जाता है। तो राष्ट्रीय आय में कहीं ना कहीं वृद्धि करना भी एक सोच होती है, इनके माध्यम से जो हमने भी डिस्कस किया राष्ट्रीय आय जो बढ़ती है। नेक्स्ट एक पॉइंट हमारा भुगतान संतुलन के असमतुल को दूर करना। हम जानते हैं कि हम बहुत बड़ी मात्रा में विदेशों से आयात और निर्यात भी का भी काम करते हैं, लेकिन यदि आयात ज्यादा हो जाए निर्यात कम हो तो हमारा जो भुगतान संतुलन वो प्रतिकूल हो जाता है। उस भुगतान जो असंतुलन को किस तरीके से दूर किया जाए ये भी राजकोषीय नीति का एक उद्देश्य होता है। या तो नए यदि सपोज करिए हमने 100 करोड़ डॉलर है, इसका हमने एक्सपोर्ट कर लिया और 50 करोड़ का है, 50 करोड़ डॉलर का है हमने इंपोर्ट किया है, ठीक है। तो इसमें तो आप देखेंगे हमने एक्सपोर्ट यानी ज्यादा का माल बेचा है, कम का मंगवाया, तो हम तो इसमें तो प्लस में, लेकिन ये स्थिति विपरीत हो जाए, ठीक है, इंपोर्ट ज्यादा का कर ले और एक्सपोर्ट कम का करे, तो इस कंडीशन में 50 करोड़ है जो हम माइनस में आ जाएंगे,
तो जो 50 करोड़ का भुगतान किस तरीके से किया जाए, उस असंतुलन को किस तरीके से दूर किया जाए, नए ऋण लेने पड़ेंगे या हमारे पास जो संचित कोष पड़े हैं जैसे कि आरबीआई के पास है, देश के पास है, उनसे उसकी भरपाई करें या कोई दूसरी चीज बेच करके हम इसकी भरपाई करें, तो ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। तो इस तरीके से जो भुगतान में असंतुलन उत्पन्न होता है उसको किस तरीके से दूर किया जाए, ये भी है जो जिम्मेदारी सरकार की होती है और ये भी इसका एक उद्देश्य होता है। तो ये इस तरीके से जो भुगतान असंतुलन को दूर करना भी इस का उद्देश्य माना जाता है। रोजगार को बढ़ावा देना, हम जानते हैं कि देश में किसी भी देश की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो रोजगारी होती है। क्यों? क्योंकि जब देश में लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो खाने के लाले पड़ जाएंगे, और किसी भी देश में लोग भूखे सोए ये तो एक बहुत ही बड़ी विडंबना है। तो सबसे बड़ी यही अच्छी आती है कि लोगों को रोजगार जब कंटिन्यू मिलता रहेगा तो कोई भूखा नहीं सोएगा। तो रोजगार देना भी सरकार की एक जिम्मेदारी होती है। सरकार ऐसे काम करे जिससे कि रोजगार के जो रास्ते वो निकले और नए नए रोजगार है जो सामने आए, जिससे कि क्या है लोगों को बेरोजगारी से मुक्ति मिल जाए। तो सरकार की ये जिम्मेदारी होती है या इसका उद्देश्य तो है, ये जिम्मेदारी भी मानते हैं इसको, तो कि प्रदेश में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रोजगार मिले, ठीक है, चाहे वो निजी सेक्टर में हो चाहे सरकारी सेक्टर में हो। तो सरकार हर क्षेत्र का देखती है, सरकार निजी क्षेत्र को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, निजी उद्योगों को भी आगे बढ़ाने का प्रयास करती है, जिससे कि वहां पर भी रोजगार के जो अवसर खुले और सरकार अपने जो सरकारी उद्योग धंधे है कार्य है उनमें भी वैकेंसी निकालती रहती है जिससे कि लोगों को रोजगार मिलता रहे। तो ये है जो इस तरीके से जो काम करती रहती है। इसके बाद यदि बात करें नेक्स्ट पॉइंट, आर्थिक विषमता को कम करना। अर्थव्यवस्था की विषम परिस्थितियां, हम जानते हैं कि हमारे समाज में 3 वर्ग है जो बटे हुए हैं, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग और मध्यम वर्ग। इन तीनों वर्गों में, यानी निम्न वर्ग का मतलब है बहुत ही कम आय वाले लोग हैं, और मध्यम वर्ग है जो कि मिडिल क्लास को बोलते हैं, जो कि मध्यम आय वाले लोग हैं, यानी निम्न वर्ग है जो ये मानते हैं कि लगभग 8,000 से नीचे के आय वाले लोग, 8 से करीब 50,000 के बीच वाले लोग हैं आय वाले लोग हैं उनको मध्यम वर्ग में, और 50 से ऊपर वाले लोग हैं उनको उच्च वर्ग में शामिल कर लेते हैं। तो इसकी सीमा भी समय समय पे बदलती रहती है। तो कहने का मतलब ये कि ये तो 3 वर्ग बटे हुए हैं, इसमें एक वर्ग की तो आय बहुत ही कम है, एक की कुछ ठीक ठाक है, एक की बहुत ज्यादा है। तो ये अंतर आ रहा है जो कि बहुत ही अर्थव्यवस्था में ये पेचीदगी है या परेशानी का एक कारण बन के सामने कहीं ना कहीं उभरता है ये, ठीक है। तो इसके पीछे हम देखते हैं कि जो निम्न वर्ग होता है, ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग ऐसे चोरी चकारी करते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं कि इनके पास गाड़ी बंगले ऐश आराम वाली चीजें, तो क्यों ना हम भी ऐसे, तो जो गलत काम करते हैं इसके पीछे ये भी एक कारण होता है कि वो दूसरों को देख करके जो है उनके जो सुख सुविधाएं जो देखते हैं वो खुद लेने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो बिना मेहनत के, तो वो ये नहीं सोचते कि इन्होंने किस तरीके से मेहनत करके पैसा कमाया है, तो वो एक अलग चीज है। लेकिन ये कहीं ना कहीं संघर्ष तो होता ही है। हम देखते हैं कि कंपनियों फैक्ट्रियों में जो उच्च वर्ग है, जो लोअर वर्ग है, उनके बीच में हमेशा संघर्ष बनना रहता है किसी न किसी बात को लेकर के। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि इन जो संघर्षों को अलग विराम दे या अलग किया जाए, तो लोगों के जो ये वर्ग बंटे हुए इनमें कहीं ना कहीं कुछ कमी की जाए, निम्न वर्ग को थोड़ा ऊपर बढ़ाया जाए, उच्च वर्ग है तो जो मिडिल क्लास है उसको और ऊपर वर्ग है जो ऊपर वाला वर्ग है उस वर्ग उसमें शामिल किया जाए, तो कहीं ना कहीं लोगों की आय बढ़ा करके ये काम किया जा सकता है। तो सबसे बड़ा इसमें रोजगार का ही साधन है, रोजगारी है या उद्योग धंधे है लोगों को उपलब्ध करवाया जाए, जिससे कि ये जो लोगों को बड़ी मात्रा में जो आगे बढ़ने का मौका मिल सके। तो लास्ट पॉइंट है इसका, निर्धनता में कमी करना। तो निर्धनता किसी भी देश की जो बहुत ही एक बेकार स्थिति होती है, जिस देश में बड़ी मात्रा में निर्धन होते हैं तो उस देश की स्थिति हम अच्छी नहीं कह सकते। तो देश को आगे बढ़ाने के लिए देश में निर्धनता का जो कुचक्र है उसको तोड़ना बहुत जरूरी होता है, और निर्धनता जिस देश में होती है तो वो देश है जो प्रोग्रेस नहीं कर पाता है। तो इसलिए निर्धनता को दूर करना भी एक उद्देश्य माना गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।